आई थिंक इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर अस, बिकॉज इससे पहले जो था इंडिया का सब अवार्ड्स हम लोगों ने जीता था ये फिल्म के लिए, और बहुत मेहनत और दिल से बनाया था ये पूरा फिल्म का VFX, और जब अभी ये नेशनल अवार्ड्स मिल रहे हैं आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड फॉर दिस फिल्म, क्योंकि फिल्म का मतलब रिव्यूज़ आप देखोगे तो VFX के लिए बहुत अच्छा रिव्यूज़ मिले थे हम लोगों को, एंड दिस ओनली एनकरेजेस दैट यू नो वी कैन एक्चुअली डू मच बेटर वर्क फॉरवर्ड इवन फॉर ब्रह्मास्त्र 2 एंड एवरीथिंग एल्स. अभी देखो पहले क्या है कि इंडियन ऑडियंस अभी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब अच्छे बुरे VFX का बहुत अच्छी तरीके से सब लोगों को मालूम पड़ जाता है कि ये अच्छा VFX है कि ये कैसा लग रहा है. तो उसके हिसाब से हम लोगों ने इतने सारे हॉलीवुड मूवीज़ पे मैंने काम किया है, जब भी हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मास्त्र जैसा एक फिल्म आया है और उसमें इतना स्कोप है कि हम लोग कर सकते हैं, वी लाइक रियली हिट द बॉल आउट ऑफ द पार्क सो दैट ऑडियंस गेट अ कम्प्लीट हॉलीवुड फील इन अ इंडियन फिल्म, एंड द रिजल्ट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू, एंड आगे जाके इट इज़ ओनली गोइंग टू लाइक इम्प्रूव मोर एंड मोर.